हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल प्रीशा चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओडिशा के दक्षिणी हिस्से में स्थित गजपति जिला हॉर्नक्राफ्ट और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है। इस जिले का सामाजिक और शैक्षिक विकास में व्यापक योगदान रहा है। गजपति का आधिकारिक इतिहास तो नवीन ही है, लेकिन इस पूरे इलाके को एक विशेष ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जाता है। गजपति के भूगोल में एक पहाड़ी इलाका और अछूती स्थलाकृति है, जो जनजातीय लोगों द्वारा बसाई हुई है। यहाँ आदिवासी परंपरा और शैली खासी प्रचलित है। जिले का इतिहास देखें तो इसका नाम महाराजा श्री कृष्ण चंद्र गजपति नारायण देव के नाम पर रखा गया था, जो परला खेमुंडी स्टेट के भूतपूर्व राजा थे। इन्हें एक अलग ओडिशा प्रांत के निर्माण में योगदान के लिए याद किया जाता है। आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर 1992 से गजपति जिला प्रभाव में आया। इससे पहले ये गंजम जिले का ही हिस्सा था। इस स्थान को प्राचीन समय में रामायण और महाभारत से भी जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के पर्वत पर भगवान परशुराम ने लंबे समय तक भगवान शिव का ध्यान किया था। वहीं द्वापर युग के दौरान माता कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ अपने 12 वर्षों के वनवास के दौरान एक निश्चित समय के लिए यहाँ रही थी। मौजूदा समय में गजपति जिले का मुख्यालय परला खेमुंडी में स्थित है और इस जिले की सीमाएं उत्तर में कंधमाल, उत्तर पूर्व में गंजम, पूर्व से दक्षिण पूर्व तक आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम में रायगढ़ से लगती हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 3,850 वर्ग किलोमीटर है। वहीं यहां की अनुमानित जनसंख्या लगभग 7,62,719 है। साक्षरता दर की बात करें तो जिले के करीब 55% लोग साक्षर हैं, लेकिन यहाँ का लिंग अनुपात बहुत शानदार है। यहाँ 1,000 पुरुषों पर 1,042 महिलाओं की संख्या है। ये जिला एक अनुसूचित बहुल इलाका है, जहाँ अनुसूचित जाति जनसंख्या 39,175 है और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 3,13,714 है। वर्तमान समय में जिले के प्रशासनिक ढांचे में कुल 7 तहसील और 7 ब्लॉक हैं। वहीं ग्राम पंचायतों की संख्या 149 और गांवों की संख्या 1,534 है। यहां 2 विधानसभा और 1 लोकसभा निर्वाचन की सीटें हैं। गजपति की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर कृषि आधारित है। यहाँ का भूगोल और जलवायु धान, गन्ना, सूरजमुखी और तिलहन आदि फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं और यहाँ इनकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। जिले में कुछ कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ भी हैं, जो यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन बनी हैं। इसके अलावा यहाँ कुटीर उद्योगों की कुछ गतिविधियाँ, जैसे सींग का काम, जयखड़ी का थैला, बेंत और बांस का काम भी होता है। ये जिला सियाली पत्ती की थाली बनाना और तिब्बती ऊनी कालीन बनाने को लेकर भी मशहूर है। ये इलाका धीरे धीरे राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की मदद से विकास की ओर अग्रसर है। पर्यटन की बात करें तो गजपति जिले में पर्यटकों के लिए कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ आप रोमांच और शांति से भरा एक समृद्ध अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ और घने जंगल आपको खासा आकर्षित करते हैं। वहीं कुछ ऐसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी हैं, जहाँ पर्यटकों का अक्सर जमावड़ा देखने को मिलता है। यहाँ का आदर्श कृषि फार्म, बीएन पैलेस, सिरंगो जिरंगो पिकनिक स्पॉट, गंधहती वाटरफॉल, महेंद्रगिरी चंद्रगिरी मंदिर और हरभंगी मुख्य आकर्षण हैं। इस जिले में एक समृद्ध संस्कृति और विरासत है। यहाँ कई त्योहार जैसे रथ यात्रा, दशहरा, ठकुरानी यात्रा और पोंगल बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसे देखने अक्सर पर्यटकों की भारी भीड़ आती है। अब अगर आप भी इस जिले को एक्सप्लोर करने यहाँ आना चाहते हैं
तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर का बीजू पटनायक हवाई अड्डा है, जो इस जिले से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप ट्रेन की मदद से भी पहुँच सकते हैं। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश का पलासा है, जो कोपिल्ली रोड से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से आप यहाँ NH 326A के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ का RTO कोड OD20 है, जो आपको यहाँ की सभी लोकल गाड़ियों पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।